राजधानी पटना में आए दिन अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में आज राजधानी पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साई नेत्रालय रोड में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया, अचानक जब बीच रोड पर एक लड़के के द्वारा एक लड़की को चाकू से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया गया, जिसके बाद उसे पटना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दरमियान उसकी मौत हो गई। बता दें कि कंकड़बाग थाना प्रभारी रवि कुमार ने साफ तौर से बताया है कि कंकड़बाग थाना क्षेत्र के साई नेत्रालय रोड में मेदांता हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स सोनी कुमारी को एक लड़का द्वारा चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। वहीं लड़की पूर्णिया की रहने वाली है और कहीं ना कहीं आपसी विवाद का मामला बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के द्वारा हर पहलू पर जांच की जा रही है और लड़की के घर वालों को इसकी सूचना दे दी गई है। वहीं अगर प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो दोनों आपस में बात करते हुए जा रहे थे, फिर कुछ देर बाद अचानक लड़का लड़की के ऊपर चाकू से वार करने लगा और सोनी देवी की वहीं पर मौत हो गई। क्या घटना हुई थी? उधर से आ रहा था लड़का लड़के, यहाँ पे आया और हम कार लेके जा रहे थे, उसी टाइम चाकू चला दिया। क्या हुआ था उस समय? साथ में था वो लड़की का? साथ में था तो हाँ। कितना चाकू मारा होगा? ये तो नहीं पता गया, दो तीन बार मार भी दिया होगा। मारने के बाद चलते बन गया, इधर से ई रिक्शा पकड़ा आगे मोड़ पे बैठा चल दिया, पैदल गया। पैदल गया? आप कार से कहीं जा रहे थे क्या? जा रहे थे अंदर, हम गाड़ी की गाड़ी चलाते। अच्छा, तो पैदल भागा कि दम आराम से टहलते? आराम से टहलते हुए गया। उसके हाथ में चाकू था? चाकू था, ऐसे करते हुए गया। कितना उम्र होगा? 35 से 50। लड़की उसके साथ ही आ रही थी, अनकंफर्टेबल फील कर रही थी क्या? केस आराम से बतिया क्या? बतिया से नहीं, भागते हुए मतलब इधर ऐसे उसे बचना चाह रही थी। कहाँ से हुई रिक्शा पकड़ लिया? सर घुसते हैं तो बजा। क्या पहने हुए था वो? ट्राउजर पहने था, ऊपर में गमछी रख लेता। हाथ में चाकू था उसका? चाकू तो पॉकेट में रख लेता है। मारा है टहलते हुए निकल गया? मारा चल। क्या नाम है आपका? राहुल। बता दें कि पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र में मेदांता हॉस्पिटल में काम करने वाली नर्स सोनी कुमारी को एक लड़के के द्वारा चाकू से हमले के दौरान मौत के घाट उतार दिया गया। एक नर्स है जो हॉस्पिटल से अपने हॉस्टल लौट रही थी, उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और प्रथम दृष्टया जो है ये मामला आपसी पारिवारिक विवाद का लग रहा है। क्या मौत होती है जी? कौन थे ये? जैसे ही पुष्टि हो जाएगी पूरी बात की आपको अवगत करा दिया जाएगा। नर्स की बात बताइए। हाँ जी, नर्स की बात। पूर्णिया की रहने वाली है? जी पूर्णिया की रहने वाली है। आज कंकड़बाग थाना अंतर्गत एक महिला जिसका नाम सोनी कुमारी है, उसकी हत्या उसी के पति के द्वारा चाकू मारकर कर दी गई। हत्या का कारण पारिवारिक विवाद बताया जा रहा है। हत्या करने वाला उसका पति हरिभास्कर, उसको पुलिस के द्वारा आइडेंटिफाई कर लिया गया है तथा उसकी गिरफ्तारी के लिए अलग अलग टीमें बना के छापेमारी की जा रही है।